Hello students, I hope you are fine and safe at home. Congratulations, now you all have come in class 3. Varnamala. बच्चों, हम दिन भर बोलते हैं. बोलने में बहुत सारी आवाजें निकलती हैं. यह आवाजें या ध्वनियां वर्ण कहलाती है. वर्णों के प्रकार. वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन. आइए बच्चों, आज हम सीखते हैं हिंदी स्वर माला. अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, इक से ईक, से उल्लू, उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत, अन से अंगूर, आहा खाली. आइए बच्चों, फिर से हम स्वर को दोहराएंगे. अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, ई से ईक, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अन से अंगूर, आहा खाली. आइए बच्चों, अब हम स्वर और उनकी मात्रा के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती है. आ की मात्रा इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ए, ओ, औ, अम, आहा. आइए बच्चों, फिर से हम स्वर और उनकी मात्रा को दोहराएंगे. अ की मात्रा नहीं होती है. आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, अम, आहा. आइए बच्चों, अब हम स्वर का अभ्यास करेंगे. स्वर से उसकी मात्रा तक रेखा खींचिए. आ, आ को उसकी मात्रा तक आपको लेके जाना है. ए, ए की मात्रा, उ, उ की मात्रा, ओ, री. चित्रों को देखकर उनका पहला अक्षर लिखिए. आपको चित्र पहचानना है और उसका पहला अक्षर लिखना है. यह चित्र है इमली का. आ से आम, ऐसे एनक, ओ से ओखली. बच्चों, आज हमने स्वर और स्वर की मात्रा के बारे में पढ़ा. आपको गृह कार्य में अपनी एक नोटबुक में स्वर लिखना है. अ से आह तक दो बार खाली जगह भरिए
और इसकी एक इमेज हमें व्हाट्सएप पे सेंड करना है। बच्चों, हमारे नेक्स्ट सेशन में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।